बोलो गजानंद भगवान की जय हो। आइए इस भजन संध्या में आप सभी का भजन पार्टी की ओर से, इस आयोजक कमेटी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिता तुल्य बुजुर्गों के चरणों में, शक्ति रूपी माताओं के चरणों में सादर प्रणाम। साथियों को राम राम और बच्चों को प्यार। प्रेमियों, जिस घर में, जिस गांव में, जिस स्थान पर, जिस जगह धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, वो जगह, वो माहौल, वो वातावरण, वो स्थान, वो घर शुद्ध होता है और धार्मिक बातें सुनने से आदमी को आध्यात्मिक ज्ञान होता है। संगीत के माध्यम से जो आयोजन रखे जाते हैं, संगीत से आदमी को मानसिक तनाव से, मानसिक यातना से मुक्ति मिलती है। तो आइए, जैसा हमारे याद है आपके सामने पेश करेंगे, त्रुटि को माफ करना। एक बात और चाहूंगा, जो साथी बाहर खड़े हैं, आप सभी से मेरा आग्रह है, आप सभी हमारे मेहमान हैं। भजन संध्या विधिवत रूप से प्रारंभ हो चुकी है, आप भी आकर के इस भजन संध्या का हिस्सा बने और इस भजन संध्या को सफल बनाए। एक बात और चाहूंगा कि मेरे साथ साथ प्रभु के नाम का उच्चारण जरूर करें। प्रेमी, उच्चारण किसी को दिखाने के लिए नहीं करवाया जाता, उच्चारण इसलिए करवाया जाता है कि प्रत्येक आदमी के अंतःकरण की बात मालिक तक पहुंचे और एक पल के लिए, एक क्षण के लिए जिब्या और आत्मा शुद्ध हो। प्रभु का नाम लेने से आदमी की आत्मा की शुद्धि होती है, जिब्या की शुद्धि होती है और जिस जगह बैठे उस भूमि की शुद्धि होती है। हमारे शास्त्रों का मानना है कि मंत्रों का उच्चारण करने से, भजन का उच्चारण करने से, ओम का आयोजन करने से वातावरण की शुद्धि होती है। तो एक बार मेरे साथ अपने श्रीमुख से अपने जिब्या को पवित्र करने के लिए, और यदि आपको तकलीफ न हो तो एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा करके प्रभु के नाम का उच्चारण करें, ताकि ये पूरा माहौल राममय हो जाए और भजन संध्या की भूमिका बने, उसका रूप बने। तो आप सभी से निवेदन है, एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा करके प्रभु के नाम का मेरे साथ उच्चारण कीजिए। बोलो गजानंद भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। जगदम्बे भगवती की जय। राम शिशिर दरबार की जय। सांचे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, माँ शारदा को याद करते हुए इस भजन संध्या की बेला को हम आगे बढ़ाते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि भजन संध्या आपको अच्छी लगे, इसलिए मन बुलाए रेलिए में आया है। एक मारवाड़ी कविता है कि एक गांव में दो भाई रहता, एक को नाम गड़सी, दूसरे ने कान नाम सुखेता। कानू गयो गड़सी, कन गड़सी भाई राम राम, मन ने पड़गो तेरले छोरे राखिए सो एक छोटो सो काम। गड़सी बोलियो के काम है। कानू कहे मारे बीननी के पोतो जायो है, मारे बीननी के पोतो जायो है, और तेरलो छोरो राकेश बीननी को पल्लो पकड़ने चाहे। जद गड़सी के कोई बात याद आई, दोनों भाई कोई बात पर नाराज होएडा। जद गड़सी के नाराजगी वाली बात याद आई और कहने लगे, छोरो तो घर को नहीं सुन रहे मेरा काना भाई। छोरो हो घर में, छोरो सुत्यो घर के, माई झटकू आड़ खुल्या और बोले, बापू थे काना काकन झूठ कया बोलिया। मैं काना काके के सागे जरूर जा तो रिपियो देली गुड़ की कांकरी पल्लो पकड़ाई की बिला, तो घर में क्यों क्यों फायदो कर। तो जद गड़सी कहने लगे, बोले सुनो बेटा राकेश, आ कहानी है बहुत दुख भरी, मैं मना नहीं करी के पिछबड़ो कारण है। आ कहानी है बहुत दुख भरी और कानो बायो एक दिन आपने में बहुत बुरी। राकेश बोले, बापू के बुरी करी, बदलो ला तो ढंगो ला, मन बताओ। तो गड़सी आपके बेटे ने समझ आवे कि राकेश, जखे दिन आपने भाई को ब्याह मंडियो, आपने भाई के ब्याह की बात है, जखे दिन आपने भाई को ब्याह मंडियो, बी दिन आपने में एक विपदा आन पड़ी, अरे भाई के फेराले दिन भाई तेज बुखार में बीमार पड़ी। अपन जखे दिन भाई बिना बिल्कुल ही कोनी सरे, क्यों भाई को ब्यार, भाई खुद बीमार हुई। अपन जखे दिन भाई बिना बिल्कुल ही कोनी सरे, एक कहने बैठो पंडित फेरा की जल्दी। अरे पंडित जी कहला के, भाई ने फेरा में जाओ, भाई ने फेरा में जाओ, भाई ने फेरा में ल्याओ। अब ल्याओ कटो, भाई ने तो दानु काम भर्ती करा रखी। जद मन एक उपाय सूझी और मैं जट जा रही कान्ने भाई ने बुझी कि कान्ना भाया, आज वो अपन लेन देन की पक्की रीत बांध लिया। लेरली बात तो भूल जावन, नहीं हो व्यवहार गाल। हाँ, आज वो अपा लेन देन की पक्की रीत बांध लिया। अरे मेरली छोरी तो बीमार पड़ी, तेरली छोरी ने थोड़ी देर फेरा में साध लिया। मैं सोचू आज आपनो ओ काम पट गयो, पण ओ कानू बायो तो खड़ो को खड़ो ही नटगो। अरे राकेश सखे दिन आपने में बहुत भारी विपदा आई, अरे जद रिश्ता दरा में नाक कटवा लागी, ना तेरी मां ने फेरा में बठाई। तो ताने भजन सुनाने वास्ते, भजन के माध्यम से मनोरंजन करने वास्ते इलिए माने बुलाए हैं, इलिए मैं आया हूं। मैं पूरा प्रयास कर सया क्या भजन संध्या था ना बढ़िया लगे। तो लीजिए, माँ शारदा को याद करते हुए इस भजन संध्या की बेला को हम आगे बढ़ाते हैं। हो, 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 हो।
जी मैं लियो आसरो आपको प्रभु जी रखियो मारी सदा भवानी दाखिनी और सन्मुख रेत गणेश पांच देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुरु के दरबार में रजाइए बारंबार एज भूली वस्तु बताए सी मेरे सतगुरु है पवन तने संकट घरन मंगल मूरत रूप राम लखन सिया सखी कर कौन किसी के आता जाता कौन किसी के डट्या करे इज भले बुरे मानस का सजनों पर ख्या बेरा करे बोलोगे जानंद भगवान की जय। तो प्रेमियों लीजिए सबसे पहले वंदना गुरु महाराज के चरणों में। गुरु कई प्रकार का, सामाजिक गुरु हर आदमी का माता पिता और बा सिखाऊं बेटा तेरा दादू जी तेरा ताऊ जी यहाँ का चरण छूना चाहिए यहाँ का आदेश की पालना करनी चाहिए। तो सामाजिक गुरु हर आदमी का माता पिता हो, एक में शिक्षा का गुरु, कोई गणित पढ़ावा, कोई संस्कृत पढ़ावा, कोई हिंदी पढ़ावा, बेबी गुरुओं में कोई जीप सिखावे, कोई ट्रैक्टर सिखावे, कोई वीडियो चलानो कैमरों चलानो सिखावे बेबी गुरुओं में, और कई कई आदमी के मन रात में नींद को नहीं आवे मैं कहते तेग तेग लिया कर बेबी गुरु ही हो वह। और एक ही मालिक के बारे में बताऊं गुरु सदगुरु परम गुरु। तो लीजिए एक वंदना गुरु महाराज के चरणों में। ओ गुरु बिन घोरे अंधेरा भाई सादो ओ गुरु बिन घोरे अंधेरा रे सासो भाई गुरु बिन घोरे गुरु घोर अंधेरा जैसे मंदिर दीपक बिना सोना जैसे मंदिर दीपक बिना सोना नाम सतू का तेरा सज भाई गुरु बिना घोर जब तक कन्या रवे कमारी ना प्रीतम का बेरा जब तक कन्या रवे कमारी ना प्रीतम का बेरा बेटा तू पहरे आलस माई खोदे आलस माई खोदे खेल खेल खंडेरा रे सासो गुरु गोरे खंडेरा गुरु बिन घोर अंधेरा जैसे मंदिर दीपक बिना सोना जैसे मंदिर दीपक बिना सोना नाम सतू का मेरा सज भाई गुरु बिन घोर
पथरी के पास अग्नि व्यापे ना पथरी में डेरा पथरी के पास अग्नि व्यापे ना पथरी में डेरा अरे चकमक चोट लगे सबता की चोट लगे सासो गुरु घोर खंडेरा जैसे मंदिर दीपक बिना सुना जैसे मंदिर दीपक बिना सुना ना विष्णु का मेरा सज भाई गुरु बिना घोर नाब बसे किस पूरी ना मृग में डेरा मृग बसे किस पूरी ना मृग में डेरा व्याकुल हो ये जंगल माई फटके व्याकुल हो ये जंगल माई फटके अरे सूखे घास खंडेरा रे सासो गुरु गुरु घोर खंडेरा व्याकुल हो गुरु जी मिल के ऐश हो गया कहीं खड़ा हो तेनों रामानंद जी रामानंद जी मिला गुरु पूरा जाग्या भाग भलेरा रामानंद जी मिला गुरु पूरा जाग्या भाग भलेरा अरे वेद कबीर सुनो भाई साधो गुरु गुरु चरणा चित मेरा रे सासो गुरु घोर खंडेरा है कबीर सुनो भई साधो है कबीर सुनो भई साधो गुरु चरणा चित मेरा ओ सज भाई गुरु बिन घोर खंडेरा गुरु बिन घोर खंडेरा गुरु बिन घोर बताए अंधेरे को और रू नाम बताए प्रकाश को अंधेरे सुप्रकाश की ओर ले जाने गुरु कि गुरु बिन घोर अंधेरा संतो गुरु बिन घोर अंधेरा जैसे मंदिर दीपक बिन सोना जबकि मंदिर का मां दीपक नहीं जलाए जो वो मंदिर नहीं वो ढूंढो है जैसे मंदिर दीपक बिन सोना ना वस्तु का बीरा संतो गुरु बिन घोर अंधेरा पहली खड़ी में बताई है कि जब तक कन्या रवे कमारी ना प्रीतम का बेरा अपने समाज में 99% आदमी अलका ही जगन ओ बेरो नहीं भगवान नाम की कोई चीज हो भगवान तो आप करा जो कोई हो नया जवान टाबर है 21 वर्ष को है अरे क्यों मुंह स्टेसी आती सी हो ठीक है भाई जी अब एक बार एक मिनट तो मेरी गलती होगी धीरे धीरे बोलूंगी अब थाल ताने एक भजन सुना सुने भी बिना आराम सुना दियो और बाकी तो चलने दे थे बिना आराम सुना दे मन के कोई आदमी कह वे के ताने एक आदमी तन इया को मिल जिया अर्थे बिन पकड़ दियो मन पकड़ने की जरूरी को नहीं मत ही आजिया मार्ग तो चला की
समाज में 99 % आदमी ने उबेरो नहीं है कि भगवान नाम की कोई चीज हो। जे अपना जमाना टाबर है 21 वर्ष को है और मोस्ट इसी अतिशी हो है और क्यों नयो खून बाप रेड हो है और क्यों थोड़ो बहुत एंटरटेनमेंट भी कर ले। अरे मोटरसाइकिल लड़ी रख है आका टायर टिकणी कोन दे चाहे बालाजी को जागणो चाहे श्याम जी को चाहे माता जी को चाहे सती दादी को मोटरसाइकिल का टायर सारे दिन। अरे गांव को प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित आदमी कह देने के रे छोरा सती दादी को जागणो या क्या तय करे अगर देखे लिया सती दादी ने। अरे मोटरसाइकिल लड़ी क्या अड़ीर नीचे अरे क्यों क्यों टूटियो फिर के है सती दादी महाराज क्यों सती दादी का और तो कोई काम करे तेरी हाजरी बचाशी। अरे जमाने की बात नहीं है बूढ़ी अभी है लिखाई हुआ। एक बार कोई एक गांव के मैं एक संत रहा करता भी गांव की एक तो बेटी और एक ननद दोनों जनी जा रही। अब बेटी तो भी गांव की बात पार होगी बा भोजाई रुक गई बाबा जी के पगहा लागी बाबा जी आशीर्वाद दियो बा ननद भी से पाउंडा दूर खड़ी बाबा जी की और कहने लगे भाई बीनड़ी ने कि बेटा जीवती रहे कितना साल की होगी बोले बाबा जी मैं तो 2.5 साल की हुई। और भी ननद ने खड़ी नहीं झाड़ आवा मत है। बोलो 30 साल की खुदी 2.5 साल की बताओ है तेरो पतीर बोले बाबा जी 1.5 साल को है। और रीस आई भाई ने और 35 साल के 1.5 साल को बताओ है तेरी सास बोले बाबा जी 6 महीना की हुई है। और रीस आई माँ 70 साल की 6 महीना की बताओ है और तेरो ससुरोर बोले बाबू जी जल में ही को नहीं है। अब तो नाम सुनता है भी ननद का पग छुटका बाबा की बागी आपके बाप के नाई और क्या आके कहने लगी पिताजी क्योंकि भीनणी ब्याह की लगे तो पागल है खुद ने 2.5 साल की बतावे भाई 1.5 साल को मान्य 6 महीना की और थार खातर का जल में ही को नहीं। वो बाप ले लठ और दो एक जना ने लेस आगे बोले अरे मोट ने काटनो पड़सी जाके बाबा जी ने कहने लगे बाबा जी थे गाँव की लुगाओं की बात करो। बाबा जी बोले भाई मैं तो क्यों कही को नहीं थारी भीनणी ने पूछ लियो। भीनणी ने पूछो बेटा तन के कहो बोले मन तो बाबा जी अबू जी तू कै साल की होगी और तू क्या जवाब दियो बोले माँ कही बाबा जी मैं तो 2.5 साल की हुई। अरबा ननद बीच में बोले बोले तेरे मुंडो देख तो 2.5 साल की ही। बाबा जी बोले उछने क्यों इन बूझ 2.5 साल की कहे हुई कहना क्या के बेटा 2.5 साल की कहे हुई बोले बाबा जी मैं तो मेरे बाप के घर में और बेटी ही जवानी कोरो कागज हो खेलो कूदो खायो रीत नीत समाज मन तो कोई चीज को पतो नहीं हो। मेरी शादी करी ने 4 साल हुई अरे 2.5 साल में मनो पतो लागण लागे कि पतिव्रता धर्म यो वे गृहस्थी जीवन यो वे सास ससुर की सेवा आवे तो मैं तो 2.5 साल की। बाबा जी बोले भाई बात तो ठीक है। अरबा ननद बोले बोले भाई 1.5 साल को ही है बोले भाई तो दारूडी पीर मारूडी गई टक्को जायो के कमा की मैं 2-1 साल में गला पड़ने लगे जना टक्को पिसो लेने लगे है। और लाख लाख शुक्रिया तारा माता बहना को थे जना भाया ने काबू कर नहीं काबू आया ही को नहीं। और माँ 6 महीना की हुई है मैं भाई बात कर रही हूं आप अपनी बात कर रहे हैं। अपा माँ 6 महीना की हुई है बोले माँ तो कहे तो गेल्ला में 18 रुपये नहीं पाड़ो शू रामायण करी मंदिर के देवरे गई के मैं 6 महीना में ठंड के ले जाने लगे जो अब जाने लगी है। अरे बापू जल में को नहीं बोले बापू तो अभी डांग लिए फिर है प्रेमियों अक्कल में जो तो 18 साल में आ जा नहीं कई कई टड्डू 80-80 साल का होके मर जाए पर अक्कल को नहीं अमक दे। जब तक कन्या रवे कमारी ना प्रीतम का बेरा आटू पैर आड़स में खोदे खेले खेल घेरा संतो गुरु बिन घोर घेरा। दूसरी कड़ी बताई है कि पथरी के पास अग्नि व्यापे ना पथरी ने बीरा पत्थर में आग पहले भी और आज भी है लेकिन कोई नहीं बीरो नहीं। साइंटिस्ट नाम को गुरु आयो और आविष्कार करे जके दिन वो बीरो पड़ने लगे कि पथरी में आग हो तरक देने को नहीं हो तरक तो गुआड़म बैठे मेरे पर का तरक दी दौड़ा तावड़म को नहीं उड़ाते तेरा आविष्कार करेड़ो है। चकमक चोट लगे शब्दा की जद आग हो जा सो फेरा संतो गुरु भी ने घोर नेरा। प्रेमियों शब्द नाम गुरु को बताए बॉडी को नाम गुरु नहीं है कि शब्द की लागी वैसो जान मूर्ख काई जाने भाई मीरा के लाग प्रहलाद के लागी लागी सेनु नाई और मुगल बुखारा के ऐसी लागी छोड़ चलिया बाद सही। शब्द की लागी वैसो जान मूर्ख काई जाने भाई शब्द नाम गुरु को किया है। एक उदाहरण है कि तुलसी की गुरु लुगाई बन दियो शब्द को तेरे प्रेमियो तुलसीदास की गुरु कौन है बाकी पत्नी तुलसीदास जी आपकी पत्नी हुआ तो ठाडो प्रेम करया करता 24 घंटा सागर रहया करता। एक बार तुलसीदास जी को साड़ो लेने वास्ते आगो तुलसीदास जी पत्नी मन में विचार करियो आपा तो पीर जा नहीं सका क्यों आपड़ो तो टड्डू सागर जसी घर का टड्डू ने कठे ना कहे तो बूढ़ा बूढ़ो की तुलसीदास जी की पत्नी तुलसीदास जी ने खेत में भेजा पीछे पीर चली गई। अब
तुलसीदास जी घर आया, पत्नी नहीं दिखी, तो वास्तव में दोनों का बहुत ठाडो प्रेम। बाजकी नदी के किनारा में तुलसीदास जी के गांव के शास्त्र के बीच में एक नदी पड़िया करती। नदी के किनारे कोई नाव अखबारों नहीं, एक मुर्दे की लाश बहती है। तुलसीदास जी अति शुद्ध बुद्ध खोदी भी मुर्दे की लाश ने नाव समझ बैठे थे ऊपर बैठ जाए और दूसरे किनारे चला जाए। आदि सिरात का शास्त्र पूछे चारू मेरू घर बंधा बड़े कठी के, तो बताई कि पिछवाड़े जहरी लटके तुलसी ने पकड़िया झटके, सूती ने जाए जगाई बन दोष लग्या गंभीर, तुलसी की गुरु लुगाई बन दियो शब्द को तीर। लेरली साइड में काळो नाक सर्प लटको, तुलसीदास जी अति शुद्ध बुद्ध खोदी भी सर्प ने जेवड़ो समझ के और पकड़ के ऊपर चढ़ जाके रात ने जाके पत्नी ने जगाई। पत्नी बोली जी थाया कटी गए, तू लेर ने जेवड़ो लटकाया ने बिन पकड़ के आगो, अब लेर ने देखा तो काळो नाक सर्प लटके। जब तुलसीदास की पत्नी मन में विचार करो वो अपने प्रेम में अंध हो, यदि की आंख नहीं खोली तो पतो नहीं कतो बड़ो अनर्थ हो जाए। तो तुलसीदास की पत्नी तुलसीदास जी ने कहने लगी कि तुलसी है तो आराम से उतना आरी से होए, अरे जाए बसो बैंकुंठ में तारो पल्लो ने पकड़े होए। अरे बावड़ा जब तू तो प्रेम मेरे करे, यदि परम पिता परमेश्वर करे तो भवसागर सुपार हो जा। तो तुलसीदास के पत्नी की बात लागे है और शास्त्र शौचालय है और आके शिक्षा ग्रहण करी और रामचरित मानस बड़े ग्रंथ की तुलसीदास जी रचना कर दी। जब बताई है कि तुलसी तुलसी क्या कहे, तुलसी बन की घास, नाम लिया रघुनाथ का जद बन गया तुलसी घास, तो शब्द नाम गुरु को बॉडी को नाम गुरु नहीं। मृग की नाब बसे किस्तूरी, नाम मृग न मेरा, मृग के अमूल्य चीज वह किस्तूरी, व्याकुल हो जंगल माई भटके सूंगे घास मेरा। प्रेमी जी का भी टाबर है जगह पढ़ रहे सखी क्षमता बराबरी है, पर एक कलेक्टर बने, एक मास्टर बने, एक डॉक्टर बने है और कई लूडो खेलता ही फिरे दिमाग तो है। अक्सर अपने बाजार में जावा तो ये मजदूरी को काम करने वाला जगह आदमी है अक्सर अनपढ़ हो, अन कोई बुझे ने कि भाई पढ़ो या भाई जी या पढ़ाई समझ में नहीं आई और सारे दिन घोड़िया गाड़ी लिया फिर वो करे और भी मोबाइल ये लग गए रे आए वो कंप्यूटर समझ में क्या को मतलब दिमाग तो है और इस चीज को लाभ कदे मिले अगले भजन में बताई है। और टाबरो तो तारा डोल बठे जाके फुला लियो खड़ा जो तू तो।